बच्चों जी दीदी। क्या आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। उनके बारे में कुछ और जानते हो? दीदी हम तो ये भी जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? दीदी उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। हाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। हमने कहानी पढ़ी है, उसमें बोधिसत्व नाम का एक शब्द है। बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व हम महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं। कहा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पहले महात्मा बुद्ध ने 550 योनियों में जन्म लिया, और उस वक्त का जो समय अंतराल था उसको कहा जाता है कि वो बोधिसत्व कहलाए। और कुछ जानना चाहते हो बोधिसत्व के बारे में? हमें कोई कहानी सुनाइए ना, जिससे हम बोधिसत्व के बारे में और जान सके। कहानी सुनने का मूड है? जी दीदी। वाराणसी शहर में एक राजा ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। राजा न्यायप्रिय थे और धार्मिक थे, बहुत अच्छे से अपना शासन चलाते थे। पर राजा अक्सर परेशान रहते थे। दीदी वो परेशान क्यों रहते थे? वो परेशान इसलिए रहते थे कि वो उनको कोई उनकी बुराइयां नहीं बताता था। हमेशा लोग उनकी तारीफ करते थे और कहते थे हमारे राजा बहुत दयालु हैं और बहुत अच्छे से राज्य चलाते हैं, हमको कभी कोई कष्ट नहीं है उनके राज्य में, उनकी प्रजा कहती थी। तो राजा इसलिए परेशान रहते थे कि मेरी कोई बुराई नहीं करता, अगर बुराई नहीं करता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझ में क्या कमियां हैं। इसके लिए राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों से पता करूं कि मेरे में क्या कमियां हैं, और वो शहर में भ्रमण करने के लिए निकले। अच्छा, लोगों से पूछने गए होंगे। लोगों से पूछने तो गए पर अपना भेष बदल कर गए। राजा अपना भेष बदल कर लोगों के बीच गए और उन्होंने जानना चाहा कि वो किस प्रकार राज्य करते हैं। प्रजा ने उनकी बड़ी तारीफ करी। हमारे राजा तो बहुत न्याय प्रिय हैं, पर बहुत ही दयालु हैं। उनसे अच्छा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे राजा बहुत न्याय प्रिय हैं। हाँ, वाकई हमारे राजा तो बहुत ही धार्मिक हैं। हमारे राजा से अच्छा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे राजा तो सबसे अच्छे राजा हैं। हमारे राजा तो सबसे अच्छे राजा हैं। राजा इसी प्रकार घूमते घूमते शहर में एक आश्रम में पहुंचे। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भगवत पधारो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं फलों का सेवन करने ही जा रहा था। लो। अरे मुनिवर, ये तो बहुत ही मीठे व स्वादिष्ट फल है, आखिर इन फलों में ऐसी क्या बात है? ये फल स्वादिष्ट होने का ये संकेत दे रहे हैं कि यहाँ का राजा धर्म प्रिय और न्याय प्रिय है। अगर यहाँ का राजा अधर्मी और अन्यायी हो जाएगा तो ये यहाँ के फल, जंगल के सारे फल और फूल कड़वे हो जाएंगे। अब मैं तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लूंगा और वापस जाकर अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि उनके कथन में कितनी सच्चाई है। राजा ने सोचा क्यों ना मैं इसे जांचूं। मुनिवर ने जो कहा है मैं इसके बारे में विचार करके देखूं कि क्या ऐसा वाकई में होता है। राजा ने मुनिवर से कुछ भी नहीं कहा, अपना परिचय भी नहीं दिया, उन्हें ये भी नहीं बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। वापस अपने राज्य चले गए और यहाँ वापस राज्य में आकर उन्होंने अधार्मिक रूप से राज्य करना शुरू किया, प्रजा को सताना शुरू किया, अन्यायी हो गए, जिससे प्रजा उनकी बहुत दुखी रहने लगी। अब राजा ये जानने के लिए कि मुनिवर ने सच कहा था कि नहीं, वापस कहाँ पहुंचे? मुनिवर के आश्रम में। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भगवत पधारो। बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं फलों का सेवन करने ही जा रहा था। लो खाओ। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही कड़वे हैं। ये फल कड़वे होने का संकेत दे रहे हैं कि यहाँ का राजा अवश्य ही अधर्मी और अन्यायी हो गया है। मुनिवर जरा विस्तार से इसका कारण बताएं। तो सुनो, जैसे गाय अपने नेता बैल के पीछे चलती हैं, और अगर बैल ही रास्ता भटक जाए तो सारी गाय अपना रास्ता भटक जाती हैं। तो क्या? हाँ, अगर राजा ही अधर्मी हो जाए और अधर्म के रास्ते पर चले तो पूरी प्रजा ही अधर्मी और अधर्म के रास्ते पे चलती है। तो इस प्रकार मुनिवर ने राजा को एक बहुत अच्छी सीख दी और राजा ने सोचा कि
अब मैं अन्यायी नहीं होऊंगा, न्यायप्रिय रूप से राज्य करूंगा और अपनी जनता को सताऊंगा भी नहीं। आपको कोई शिक्षा मिली है इससे? जी 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 जी। अच्छा, मैं अब आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ। कहानी अच्छी लगी? जी जी। प्रश्न का जवाब दे पाओगे? जी जी जी। ये बताइए कि राजा ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध था? दीदी, राजा ब्रह्मदत्त इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वो एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। हाँ बिल्कुल सही, राजा धर्मप्रिय थे और न्यायप्रिय थे, इसलिए सब लोग उनका आदर सम्मान करते थे और वो अपने राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा ने गोदे का फल खाया था, ये गोदे का फल मीठा और कड़वा हो गया, इसका क्या कारण बताया था मुनिवर ने? दीदी, मुनिवर ने बताया था कि जब फल कड़वा था इसका ये मतलब हुआ कि जब राजा ने अन्याय हो गया और राजा ने गलत काम किए तो उसका प्रभाव उसके वातावरण पर पड़ा, इसीलिए वह फल कड़वा था। लेकिन पहले जब राजा न्यायपूर्वक राज्य करता था और धार्मिक था तब वह फल मीठा था क्योंकि राजा के कर्मों का प्रभाव उसके वातावरण पर पड़ता था। बिल्कुल सही, वातावरण पर प्रभाव पड़ने के कारण उसकी वस्तुएं भी नीरस हो जाती हैं या मधुर हो जाती हैं, है ना? अगर राष्ट्र पर भी पड़ता है राष्ट्र ओझरहित हो जाता है, या अगर अच्छा शासन चलता है तो ओझवान हो जाता है। राजा नगर में भ्रमण करने के लिए निकला था, क्यों निकला था? राजा भ्रमण करने के लिए इसलिए गया क्योंकि सब उसके अच्छे गुणों को ही बताते थे लेकिन कोई उसकी बुराई नहीं करता था, इसलिए राजा अपने अवगुणों को जानने के लिए भ्रमण करने के लिए निकला। प्रजा से ये जानने के लिए कि कोई अगर उसमें बुराई है तो प्रजा उसे बताएगी, तभी राजा अपना भेष बदल कर प्रजा के बीच में गए और ये जानने के लिए कि कोई उनकी बुराई कर रहा है कि नहीं। लेकिन किसी ने उनकी बुराई भी नहीं की, सबने उनकी तारीफ की थी। राजा ने मुनिवर ने जो कहा था, मुनिवर ने राजा को कि शासन अच्छी तरह से चलेगा तो वस्तुएं मीठी होंगी, सरस होंगी, ये सब जानने के बाद राजा वापस आ गया अपने महल में। फिर राजा ने क्या किया वापस आकर के, अपने महल वापस आकर के? दीदी, राजा ने ये जान मुनि की बात को सत्य असत्य बताने के लिए धर्म धर्म से राज नहीं किया। हाँ। और अन्याय पूर्वक सबको सताया, अधार्मिक हो गया और अन्यायी हो गया, ठीक है ना? तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें कभी भी सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का मार्ग हमें नहीं छोड़ना चाहिए, न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे राजा के कारण उसकी जनता या प्रजा पर प्रभाव पड़ता है, वैसे आपके अपने कामों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। यदि आप झूठ बोलोगे तो सब उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर, अगर आप सच बोलोगे तो उसका आपको फल मिलेगा।